गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सोशल साइंस क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर सिक्स चैप्टर, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो अरुणा जो थी वो पेपर न्यूज़पेपर रीड कर रही थी, उसकी बेटी वहाँ पे होमवर्क करने के लिए बैठी थी. तब अरुणा जोर जोर से पढ़ रही थी कि रेवोल्यूशन के बारे में. तब उसकी बेटी ने उससे पूछा कि ये रेवोल्यूशन क्या होता है और लोग क्यों रिवोल्ट करते हैं. तो अरुणा ने उनको आंसर दिया, जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है और उनकी आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब लोग बगावत करते हैं या रिवोल्ट करते हैं. जब ब्रिटिश लोग इंडिया में राज कर रहे थे, पूरे 200 साल उन्होंने इंडिया में राज किया था, तब लोगों की परिस्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, उनके कंडीशन बहुत ही ख़राब था, तब लोगों ने उनके खिलाफ़ बगावत की, तो उसको रिवोल्ट कहते हैं. तो चलो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले थे. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th century. द एनार्ची दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन. इट हैज़ बीन एडमिटेड बाई हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द ऑर्गनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया वेर अनमैच्ड एट दैट टाइम. द सेम कंट्री India become poor and bankrupt during the nearly 200 years of the British rule. It became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished products of the factories in England. जब 18th century में जब हमारा देश बहुत ही economically prosperous था, तो उसके बाद औरंगजेब का death हुआ, तो भी बहुत ही हमारी जो economic condition थी, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही अच्छा था. जो हमारे हिस्टोरियंस है वो हमें बताते हैं कि उस टाइम भी हमारे देश में इंडस्ट्रीज, उनका प्रोडक्शन टेक्निक्स और ट्रेड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये सारे किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, ऐसे बहुत ही अच्छे से था. लेकिन जब ब्रिटिश लोग इंडिया में रूल करने लगे, पूरे 200 साल उन्होंने इंडिया में रूल किया, तब हमारी जो आर्थिक परिस्थिति थी बहुत ही ख़राब हो गई थी. तो वो यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड को सप्लाई करते थे और जो फिनिश प्रोडक्ट के लिए वो इंग्लैंड को अपना मार्केट बनाया था. कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तब जो किसान की परिस्थिति कैसी थी, वो जब ब्रिटिश लोग द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओरिसा. दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड एज अ रिजल्ट द पीजेंट्स बिकम पुअरर. मैनी टाइम्स द पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू. अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इन टू अ डेब्ट ट्रैप. फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड agriculture suffered in many regions of India. Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in the year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो भी किसान खेती करता था तो उसका उसके ऊपर वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो उसके वजह से क्या होता था, जो भी किसान थे वो बहुत ही पुअर होने लगे. मतलब कुछ समय में ऐसा होता था कि वो रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, जो अपने ज्वेलरीज होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, उसको बेच के वो रेवेन्यू भरते थे. इससे जो किसान की परिस्थिति बहुत ही ख़राब होने लगी. और कुछ जो फार्मर्स थे, किसान थे, तो वो क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे उनसे पैसे उधार में लेते थे, उसके बाद वो वापस नहीं कर सकते थे, तो वो पूरी लैंड जो लैंडलॉर्ड होता था उनका हो जाता था और वो उनसे वो ज़मीन छीना जाता था. इसके वजह से इसका एक विटनेस है, जब बंगाल में 1770 में बहुत ही लाखों लोग स्टारवेशन के, मतलब भूख के वजह से मर गए थे. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू. एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑफ एन एनुअल बेसिस. द जमींदार्स वेयर गिवन द परमानेंट राइट्स
of land and revenue collection. This is how the class of landlords loyal to the company was created. This act also ensured the income of the company. Against this, the peasant who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow the crops were exploited. तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने एक नया एक्ट बनाया तो उसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. तो इस एक्ट के रूल्स में क्या था, जो कंपनी है वो एनुअल बेसिस पर रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. तो जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. इसके वजह से जो जमींदार थे वो ब्रिटिश के जो कंपनी थे उसके तरफ बहुत ही लॉयल हो गए थे. लेकिन जो किसान थे, जो धूप में, खड़ी धूप में, ठंडी में, बारिश में काम करते थे, उनको अपना मेहनत का फल नहीं मिल रहा था. इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ. वॉरेन हेस्टिंग्स, द पर्सन हु वाज गिव द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नोन एज अ कलेक्टर. ही आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज. द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एनिशियन सिस्टम of self-rule. In the ancient times, every village was like a small republic. Gram panchayats handled the administration of the entire village. These panchayats were like the backbone of the self-rule in our country. These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasion and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. Jo Warren Hastings tha, तो वो कलेक्टर था. कलेक्टर किसको बोलते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनको कलेक्टर बोलते थे, और वो एक जज की तरह भी काम करते थे. जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो जो हमारा पुराना जो सिस्टम था, सेल्फ रूल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया. जो जैसे छोटे छोटे गांव में ग्राम पंचायत होते थे, जो पंचायत वाले पूरे विलेज की देखभाल करते थे, तो वो ब्रिटिश रूल के वजह से ये सेल्फ रूल इंडिया में डिस्ट्रॉय हो गया. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियन फॉर एवर. पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and was liable for punishment. As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. जो policy था social reform का, तो उसके वजह से जो Indians थे उनके वो insecure feel कर रहे थे. तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमको सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा इंडियन कल्चर है, संस्कृति है, धर्म है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो उसके बाद उन्होंने एक आगरा में ऑर्डर पास किया जो हर एक इंडियन है वो ब्रिटिश लोगों को सैल्यूट करेगा. अगर वो सैल्यूट नहीं करेगा तो उसको क्राइम माना जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा. तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसके वजह से सारे लोग गुस्से में आ गए और उनके खिलाफ हो गए. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप. द ट्रेड्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज कमोडिटीज. द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वूलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स. The soft and delicate muslin of Dhaka was world famous. Apart from textiles, commodities such as saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, मतलब gold and silver. जो हमारे इंडिया के हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स है वो यूरोप कंट्री में बहुत ही फेमस थे, जैसे कि जूट, सिल्क, वूलन, कॉटन टेक्सटाइल्स. इन सारी चीज़ों की यूरोप कंट्री में बहुत ही डिमांड था. और उसके अलावा जो सॉफ्ट डेलिकेट मसलिन
का कपड़ा आता है जिसे मलमल का कपड़ा बोलते हैं, वो भी बहुत ही फेमस था। उसके अलावा जैसे सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट पेटर, इन सारी चीज़ों को भी बहुत ही डिमांड था यूरोप कंट्रीज़ में। और वो कैसे एक्सचेंज करते थे, ये सारे चीज़ें वो लेके जाते थे और उनके बदले में वो गोल्ड एंड सिल्वर देते थे। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।